अरे भाई जल्दी कर यार, लेट हो रहा है यार, फिर लेट हो जाएंगे। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 1 बजे, तो करते हैं नया व्लॉग नई वीडियो के साथ स्टार्टिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। टैक्सी हमारी नीचे खड़ी है, चलते हैं। मणिकरण ही जा रहे हैं एंड कसौल भी रस्ते में, अगर देखते हैं। सो भाई ये खड़ी अपनी टैक्सी डिजायर, ये वाली, चलते हैं, बैठते फिर बात करते हैं। रोड के लिए जाना था, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है थोड़ा बहुत। सो भाई ये रहा मॉल रोड, मॉर्निंग में कुछ ऐसा दिखेगा आपको मॉल रोड। एन अपने को जाना है यहाँ से नीचे, ये रास्ता जाता है सोलांग रोहतांग के लिए, और अपने को राइट जाना है मणिकरण कसौल के लिए। एंड यहाँ से अगर आप आगे से राइट लेते हो तो अलोया जाता है न्यू मनाली के लिए। सो भाई ये एलोए मेरे लेफ्ट साइड में, एंड सामने का नज़ारा भाई बहुत हटके आ रहा है भाई। पहाड़ क्या लग रहा है, बादल देखो यार, ऐसा लग रहा है किसी ने सीनरी बनाई हो। सो भाई अभी हम रुके हैं टोल प्लाजा पे, तो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर भैया थे वो अपना फास्टैग रिचार्ज कराने गए हैं, तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो भाई अभी हम पहुंचे वैष्णो देवी टेंपल कुल्लू में, ये रहा, चलते भाई करते हैं दर्शन, चलते यहाँ पे ऊपर। सो भाई अभी हम टेंपल में जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे टेंपल, काफ़ी फेमस टेंपल है कुल्लू का, तो चलते हैं देखते हैं। सो भाई हम दर्शन करके आ गए हैं भाई, बहुत से मंदिर हैं, आप कुल्लू आ रहे हो डेफिनेटली विजिट करो। अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो इसलिए मैं अंदर का दिखा नहीं सकता, पर आप आ रहे हो तो मेक श्योर जरूर एक बार विजिट कर रहे हो। मैं इतनी बार मना लिया, मैंने खुद पहली बार देखा है भाई, कुछ अलग बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। सो भाई दर्शन करके आ चुके हैं, चलते हैं टैक्सी में आगे कसौल की साइड मणिकरण, एंड वहाँ जाके मैं आपसे मिलता हूँ, एंड रस्ते में कुछ और होगा तो आपको दिखाता हूँ। मनाली में तो ठंड होती थी इस टाइम भी, पर कुल्लू में जो टेम्परेचर ना भाई बहुत गर्म है, बिल्कुल दिल्ली वाली फील आ रही है, इतनी गर्मी लग रही है। एंड कुल्लू बहुत कंजेस्टेड है एज कम्पेयर टू मनाली। सो भाई अभी हमने मणिकरण वाला रोड ले लिया है, कुल्लू से एक रास्ता जाता है तो हम उस पर जा रहे हैं, तो पहले कसौल आएगा फिर मणिकरण आएगा, एंड पार्वती वैली में, तो चलते हैं मणिकरण की साइड। अभी हम कसौल को पास करते हुए जा रहे हैं मणिकरण की साइड। सो भाई फाइनली मणिकरण पहुंच चुके हैं, चलते हैं करते हैं दर्शन, मिलते हैं उसके बाद, एंड देखता अगर रिकॉर्डिंग हुई तो ठीक है, ना बाहर का जो होगा वो दिखाएंगे आपको। भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पहाड़, एंड बीच में गुरुद्वारा, एंड कितने बड़े बड़े जाइंट पहाड़ हैं भाई। रिवर साइड में रिवर की आवाज़ जो आ रही है ना भाई, बहुत मन को पीस दे रही है। तो भाई गुरुद्वारे के अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, अभी हम आए प्रसादा खाने लंगर, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लंगर में। तो भाई ये चपाती, राइस, सब्जी एंड एक दो चीज़ हो रहेगी। तो भाई लंगर खा रहे हैं, जो सारा लंगर है ना हॉट स्प्रिंग वाटर से बनता है भाई, बहुत टेस्टी है, आपको ज़रूर आना चाहिए मणिकरण, बहुत अनोखा व्यू है। तो भाई हम मणिकरण साहिब के दर्शन करके आ चुके हैं, एंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं पार्वती रिवर है, एंड ये देखो यार ये जो धुआं निकल रहा है हॉट स्प्रिंग है, इसी में पूरे लंगर का खाना बनता है, एंड यहाँ पे बाथिंग के भी ऑप्शन है, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज के लिए अलग है, मैं भी आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो भाई ये रहा हॉट वाटर बाथ के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा, आप देख सकते हैं लोग बाथ ले रहे हैं। भाई अंदर जाओ दर्शन करो लंगर चखो भाई, बहुत मजा आता है यार,
इतना टेस्टी फूड आपने कहीं नहीं खाया जो आपको यहाँ खाने को मिलेगा। एंड अंदर जाके आप बैठो 10-15 मिनट में कहूंगा पीस मिलता है यार, अलग लेवल का। एंड अंदर केव भी है, उस केव को डेफिनेटली आप विजिट करना भाई। इतना गर्म लगेगा ठंड में भी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप ठंड में आए हो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा। एंड भाई ये गुरुद्वारा मनाली से पड़ेगा तकरीबन 90 किलोमीटर, कसौल से थोड़ा ही आगे है, 15-20 मिनट का रास्ता है, बट भाई वर्थ इट है। एक दो जगह और जा सकते हैं, तोश मलान जहाँ भी आपको मनो जा सकते हैं। अभी चलते हैं कसौल, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या देखने का, एंड आपको भी दिखाता हूँ। सो भाई शॉर्टकट रास्ता है जाने का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लगा रहे हैं यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। 3-4 फ्लोर की पार्किंग है, चार्जेस आपको तभी पता चल जाएगा जब पार्किंग करें। अभी हम यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी वाले भैया वेट कर रहे हैं, चलते हैं बैठते गाड़ी में, रास्ते में देखते हैं कहीं चाय पीते हैं मस्त व्यू के साथ, एंड फिर थोड़ी बातें करते हैं। तो भाई अपना पॉपआउट हो चुका है, हमें दोबारा नीचे आने पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक महादेव टेंपल भी है, हमने वो मिस कर दिया, अब हम दोबारा जा रहे हैं नीचे महादेव टेंपल के दर्शन करने। तो भाई महादेव टेंपल जो है गुरुद्वारे से ही रास्ता जाता है अंदर से, हमें पता नहीं था, अब हम जा रहे हैं अंदर से। तो दोबारा चलते हैं गुरुद्वारे में, भाई भगवान बुला रहे थे जाना चाहिए ना, तो चलते अंदर एंड देखते हैं टेंपल में पहुंच पाते हैं नहीं। तो पूरी वीडियो देखना एंड तक यार, तभी पता चलेगा हम पहुंचते हैं नहीं। सो भाई केव दिखा देता हूँ, ये रास्ता जाता है केव के लिए, अब आए तो दिखाई देते हैं, चलते हैं महादेव टेंपल के लिए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर, चलते हैं करते हैं दर्शन एंड देखते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग। एंड वहाँ पे मैंने सुना है चावल भी आप बॉईल कर सकते हैं, तो चलते हैं करते हैं दर्शन एंड देखते हैं क्या चावल बॉईल होता है। मैं आपको मंदिर के साइड का दिखाता हूँ। मंदिर के पीछे का हिस्सा है एंड कुछ ऐसा दिखेगा। तो भाई हमने चावल ले लिए एंड अभी हम इसको उबालने वाले उसमें ले जाके। तो भाई ये मेरी बहन कर रही है चावल उबालने की प्रक्रिया। सो भाई स्टोरी क्या पढ़ सकते हैं, या बहुत बड़ी स्टोरी तो मैं क्या बताऊं, अब स्टोरी पढ़ के पता चल जाएगा किस लिए मंदिर। तो भाई अब देख सकते हैं, स्टोरी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। तो भाई हमने यहाँ से प्रसाद लिया गुरुद्वारे का पिन्नी यहाँ से। तो भाई शॉप वाले भैया ने बताया कि एक मंदिर भी है, राम मंदिर, एंड एक दो टेंपल और है, तो देख के आते हैं एंड फिर मैं आपसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है टेंपल। सो भाई मणिकरण की मार्केट है, तो मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे शॉपिंग करने के, जैसे ये है, कैप्स भी मिल जाएंगी, बैग, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, प्राचीन राम मंदिर के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो चलते अंदर दर्शन करते हैं। एंड अभी मेरे साथ जो मेरी कजन आई, वो कह रहे मुझे व्लॉगिंग करनी है, तब वो व्लॉगिंग करेगी, हम अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं, मिलता हूँ फिर उसके बाद में आपसे। जय श्री राम। भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, पीछे इतना बड़ा जॉइंट पहाड़, ऐसा लग रहा है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। चलते अंदर करते दर्शन। तो फ्रेंड्स अब अपने भाई की जगह मैं व्लॉगिंग करूंगी, मैंने उसको गोप्रो कर लिया हाईजैक, तो अब आप मेरे थ्रू टूर करिए राम मंदिर का। तो ये है मंदिर, ये आप देख सकते हैं। तो ये है हनुमान मंदिर, ये देखिए, दर्शन कीजिए, इतने मैं भी दर्शन करती हूँ। एंड ये रहा राम मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है अंदर मूर्ति, बाहर से द्वार बंद है, यहीं से दर्शन करने होंगे, तो चलिए दर्शन करते हैं। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं एंड मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ पूरे मंदिर का व्यू, ये देखिए। भाई मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ मंदिर से जब नीचे जा रहे हो, भाई कितना सही सीनिक व्यू आ रहा है। भाई ये देखो कितनी दूर घर है, मतलब ये भाई आते कैसे होंगे यार ये लोग। एंड ये मार्केट है इनकी मेन, एंड ये रहा राम मंदिर, मुझे तो हैरानी हो रही है यार इतनी दूर से लोग आते कैसे हैं। सो भाई यहाँ पे एक और फेमस मंदिर है रघुनाथ टेंपल, एंड अभी बंद है। भाई सच्ची बताऊँ मैं मणिकरण जितनी भी बार आया हूँ मैं आज तक यहाँ कभी नहीं आया, यहाँ पे मार्केट भी है और ऐसे पूरी सिटी टाइप एरिया है, मुझे लगता था सिर्फ मणिकरण तक ही है, उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल विलेज होगा। पर थैंक्स टू भैया जी शॉप वाले जिन्हें हमें बता दिया और हमें पता चला कि यहाँ पे ऐसा भी है। तो चलते अभी आगे, कार में यार लेट हो रहा है, पहले हम गए और फिर वापस आए, अब कार में चलते हैं, देखते हैं कसौल रुकते हैं नहीं, तो स्टे ट्यून्ड। भाई गुरुद्वारे के पास एक एटीएम भी है, तो ये रास्ता भी जाता है मार्केट से गुरुद्वारे, हम यहीं से आए हैं, हम पहले देख के चले गए थे
हमें लगा कुछ नहीं है, फिर किसी ने बोला कि महादेव टेंपल भी है। तो चलते अभी गुरुद्वारे में से वापस निकलते हैं, कैब के लिए जा रहे हैं। एंड रास्ते में आपको केव दिखाता हूँ जिसकी बात मैं कर रहा था। रास्ता दिखाऊंगा, केव नहीं दिखाऊंगा प्रॉपर, मैं प्रॉपर केव नहीं दिखा सकता हूँ, कैमरा अलाउड है। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा क्योंकि अभी मैं गुरुद्वारे के अंदर आ चुका हूँ। भाई ये केव जाने का रास्ता जो मैं बात कर रहा था। एंड यहाँ पे आप जूते रखते हैं एंड ये रास्ता जाता है ऊपर गुरुद्वारे के लिए। एंड यहीं पे लंगर लगता है। एंड अभी भीड़ बहुत हो चुकी है, शाम जैसे जैसे हो रही है। तो भाई फाइनली हम अपनी कार के पास पहुंच चुके हैं। पर यार जैसे मनाली से निकलते हैं ना, इस साइड का जो व्यू है बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मनाली। भाई यहाँ पे कितने हार्ड स्टोन वाले पहाड़ दिख रहा है, मनाली में ऐसा नहीं मिलेगा। अब चलते हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी कार के पास। सो भाई फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कसौल की साइड। या कसौल तो सबको पता ही, फेमस है, हर कोई कसौल आता है, तो उसके बारे में क्या बताना। पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा मॉल है कसौल में। सो भाई फाइनली हम कसौल पहुँच चुके हैं। एंड कसौल बहुत कंजेस्टेड है भाई, यहाँ पार्किंग के लिए स्पेस भी नहीं मिलती है। तो भैया ने गाड़ी साइड में लगाई है एंड हम एक साइड में कैफ़े में रुके हैं, वॉफल ऑर्डर किया है, हल्का फुल्का खाते हैं एंड निकलते वापस अपनी हट के लिए। तो भाई ये रहा अपना चॉकलेट न्यूट्रेला ओरियो वॉफल। तो भाई ये रहा कैफे। तो भाई ये कैफे जस्ट ब्रिज के पास है। तो रिव्यू लेते हैं फूडी बाबा से। तो भाई फूडी बाबा की तरफ से रिव्यू ये 2/5, पोर्शन जो था बहुत कम था, प्राइस बहुत ज़्यादा एंड टेस्ट भी कम था, नॉट रिकमेंडेड है, थम्स डाउन है, तो आप अवॉइड कर सकते जब आ रहे हैं। सो ये रहा कैफे। तो भाई अभी कसौल को अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपनी हट की तरफ। तो मिलता हूँ मैं सीधा आपसे मनाली में, करते हैं फिर बाकी बातें। सो भाई मेरे पीछे फॉरेस्ट फायर है, आपको दिख रही होगी। भाई क्या डिज़ाइन में नीचे से ऊपर जा रही है, भाई बहुत रिस्की होता है कसम से यार। देखो नीचे से स्टार्ट हुई है ऊपर तक है पूरा। तो भाई टाइम हो रहा है 8:10 और अभी हम मनाली पहुंच चुके हैं। ये मॉल रोड आ गया है। सो गाइज अभी हम अपनी हट में पहुंच चुके हैं एंड अभी डिनर बना रहे हैं। डिनर खा के फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। पर यार आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप मणिकरण गए हो और आपको भी पता नहीं था कि आगे टेंपल है, शिव टेंपल और ये सब, तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर पता भी था ना तो कमेंट करके बताओ कि यार आगे और क्या क्या है देखने का मणिकरण के साइड से। मुझे इतना पता है आगे जाता है रास्ता मलान और ये साइड, पर मुझे ये नहीं पता था मणिकरण से रास्ता जाता है, मार्केट इतनी बड़ी एंड वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए। अगर आपको भी नहीं पता प्लीज कमेंट करके बताओ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अगर चैनल पे नहीं हो और सब्सक्राइब नहीं किया, सच बोलो किया या नहीं किया, नहीं किया ना तो कर डालो, शेयर कर डालो यार। तो हाँ भाई, कर आज का व्लॉग एंड बाय 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 बाय।